ले चलते हैं आपको जहां पर सीएम मनोहर लाल, पूर्व सीएम मनोहर लाल रोड शो कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं पानीपत से, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार चुनाव प्रचार जारी है बीजेपी सरकार का हरियाणा में, और ऐसे में आज पानीपत से फिर से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल तस्वीरों में आप उन्हें देख पा रहे हैं, रोड शो उनकी तरफ से किया जा रहा है। क्या करेगा, चुनाव अभी लंबा चलेगा ये चुनाव। तो जिसकी प्रतिमा आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनको माला पहनाते हुए पूर्व सीएम यहां पर नजर आए हैं और रोड शो उनकी तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल पानीपत से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे पहले भी कई जगहों पर वो रोड शो करते हुए नजर आए हैं, और फिर से आज पानीपत से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं, रोड शो उनकी तरफ से किया जा रहा है और भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। तो पूर्व सीएम मनोहर लाल रोड शो करते दिखाई दे रहे हैं, पानीपत से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हुए माला पहनाते हुए सीएम नजर आए, पूर्व सीएम नजर आए, और पानीपत से लाइव तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री के रोड शो भी लगातार जारी है क्योंकि चुनाव जो है 25 मई को होने हैं, जिसको लेकर चुनाव प्रचार जोरों से देखा जा रहा है। तो सीधे तस्वीरें पानीपत से हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्व सीएम मनोहर लाल यहां पर मौजूद हैं पानीपत में और रोड शो उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो यहां पर भारी भीड़ जो है देखी जा रही है, काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं लोग उन्हें अपने फोन में कैप्चर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो पानीपत से लाइव तस्वीरें जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं, रोड शो उनकी तरफ से अब शुरू किया जा रहा है, जिससे पहले वो एक प्रतिमा पर सबसे पहले फूल माला अर्पित करते हुए नजर आए, जिसके बाद अब वो रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार पूरा दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है कि जैसे जैसे अब चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ऐसे में पूर्व सीएम की बात की जाए या फिर सीएम की बात की जाए, उनकी तरफ से जनसभाएं रोड शो लगातार जारी हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से भीड़ यहां पर देखी जा रही है। पूर्व सीएम मनोहर लाल को आप देख पा रहे हैं, पानीपत से लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रोड शो जो है शुरू हो रहा है। तो पूर्व सीएम मनोहर लाल का रोड शो पानीपत से
आपको लाइव दिखा रहे हैं। रोड शो की शुरुआत जो है पूर्व सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं और अपना पूरा चुनावी प्रचार में दमखम दिखाते हुए यहां पर नजर आएंगे। और तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं जहां पर रोड शो की शुरुआत जो है पूर्व सीएम मनोहर लाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हुए नजर आए पूर्व सीएम, उसके बाद रोड शो की शुरुआत की जा रही है और चुनाव प्रचार जो है तेजी से बीजेपी सरकार जो है हरियाणा में करती हुई नजर आ रही है। तो करनाल से लोकसभा के उम्मीदवार हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल। साथ ही आपको बता दें लोकसभा चुनाव की तारीख जो है नजदीक आ गई है। तो फिलहाल सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूर्व सीएम मनोहर लाल रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं जिससे पहले उन्होंने प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और जिसके बाद ये रोड शो की शुरुआत हो रही है। प्रेरणा लेते हैं, उसकी सराहना करता हूँ। देश और समाज के लिए महाराणा प्रताप ने निभाई, जो न्याय के प्रति उनकी लड़ाई थी बहुत ही सराहनीय थी, हमको सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरा, जैसा आपने को पता है कि लोकसभा के चुनाव ये आ गए हैं और इस लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके भाई मनोहर लाल को क्या कैंडिडेट बनाया है आपको पता नहीं साहब? अभी तक तो 9.5 साल हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा की है, अब मोदी जी ने दिल्ली के लिए बुलाया है, टिकट दोनों दी है, लेकिन दिल्ली भेजने का काम किसने करना है? आपने करना है। आप ये दिल्ली भेजेंगे, 25 मई को ज्यादा से ज्यादा आप वोटिंग कराएं और 4 जून को इतनी वोटिंग हो जाए कि मशीनें भी जो है वो सोचने लग जाए कमल 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 एक तरफा, ठीक है? आपको तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि 5 जून के बाद फिर से आपके पास धन्यवाद करने के लिए जरूर आऊंगा। आप लोगों ने मोदी जी कामों को लेकर के, हरियाणा सरकार के कामों को लेकर के अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, आसपास पड़ोस, किसान भाई, मजदूर भाई, दुकानदार भाई, सबको आपने जो है याद करा के इस काम को कराना है। यही मेरी आपको अपील, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो आप गांव के लोगों ने जिन्होंने कार्यक्रम का सहयोग दिया, ऐसे हमारे पवन जांगरा जी, चरणजीत राणा है सरपंच है, दीपक राणा चेयरमैन, शमशेर राणा, भगवान दास राणा, जाति राम जी, जीवन लाल जी, राजपाल पूर्व सरपंच मदन लाल जी और भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने सबने सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई किरणपाल जी, भाई सुरेंद्र, तो पूर्व सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। रोड शो उनकी तरफ से किया जा रहा है जिसकी शुरुआत उन्होंने अभी की है और उससे पहले उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हुए नजर आए और पूरे दमखम के साथ वो रोड शो करते हुए अब नजर आएंगे।